एक से बढ़कर एक डीजे हमने कावड़ यात्रा के दौरान देखा, उसी में से एक है अमर डीजे मेरठ का, जो इस समय आप देख सकते हैं। यात्रा तो खत्म हो गई लेकिन इनका जो सेटअप है अभी तक इसको ये निकालने में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है काफी समय से ये इसमें लगे हैं और बहुत ही मेहनत होती है डीजे को बनाने में और डीजे को उतारने में। ये आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, पूरी तरह से इन्होंने इसको मॉडिफाई कर रखा था और अभी देखिए इसमें ये लगे हुए थे बहुत देर से, इसको काट पीट कर रहे हैं आरी से। और जो है चलिए इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं ये डीजे बनाने में, तैयार करने में। अच्छा बता दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे? सर अभी पूरा का पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा। है जी, पूरा सेटअप खोलना पड़ता है, पहले उतारना होता है फिर दोबारा चढ़ाना पड़ेगा ये पूरा ले जाने के लिए करके। अच्छा ये सब चीज क्या है ये जो हो रहा है? सारे गार्डर पे जो हैवी गार्डर होते हैं उन पे ये लगाया जाता है। नहीं तो इसको आप लोगों ने पहले वेल्ड कराया है? वेल्ड किया है, बहुत मजबूत है एक तरीके से, अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है तो ये नहीं झेल पाएगा। फिर उस पर कुछ भोले भी बैठ जाते हैं काफी सारे, तो यानी कि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। अच्छा कितनी देर होगी आपको ये हटाते हुए इसको सेटअप को? सुबह से टाइम हो गई है, सुबह से पूरा दिन लग गया और अभी भी मुझे लग रहा है काफी अभी तक कई घंटे लगेंगे, लगभग 3-4 घंटे और लग जाएंगे। तीन चार घंटे और लग जाएंगे, 9 बज जाने हैं कम से कम। अच्छा यही होता है, मतलब एक कोई भी काम हो हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। और अमर डीजे का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, पूरी यात्रा के दौरान नंबर वन डीजे अमर डीजे रहा है। और भी और सारी चीजें पूछेंगे हम, पीछे चलिए आगे थोड़ा। छोटा सेटअप नहीं है ना, काफी बड़ा सेटअप है। अच्छा ये लगभग कितने का सेटअप होगा? इसमें तो कह नहीं सकते कोई कितना का है कोई कितना का है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर बैठता है। 1 करोड़ का सेटअप लगभग जरूर है, कम से कम होगा सारा, ये सारी चीजें मिला के 5 का है 20 का है उसका नहीं हो सकता, 1 करोड़ से ऊपर होता है। 1 करोड़ से ऊपर का ये पूरा सेटअप है, कई लाख रुपए की तो लाइट ही लाइट हो जाती है, 25-30 लाख रुपए की तो लाइट ही हो जाती है, क्योंकि 1,000 रुपए का मानो 1 लाख रुपए का सेट बैठता है। अच्छा और कुछ ऐसी यात्रा के दौरान कुछ यादगार कोई पल रहा हो आपका हरिद्वार से लेके मेरठ तक, कुछ बताना चाहेंगे? पल तो यही है कि बस थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसा होता है कि एक दूसरे के भेदभाव में उल्टा सीधा बोलते हैं, वो गलत होता है, लड़ाई लड़नी है जिस चीज को लेकर का है उससे लड़ाई, जो लड़ाई करनी है उस चीज से लेकर लड़ाई करो ना, जिससे आपको आपको अपना जलवा दिखाना है, यानी कि जैसे किसी तरह से आपको जो मुकाबला करना है वो डीजे का उस तरह से लड़ाई लड़ाई करने से क्या होता है, मुकाबला होना चाहिए। ये तो गोली बंदूक वाली काम थोड़ी होता है, तो बाहर से देश का कोई बंदा आ रहा है उसके साथ भी गलत व्यवहार करे तो अच्छा थोड़ी होता है। बहुत सारी ट्रॉफियां मैं देख रहा हूँ पीछे, ये आइएगा थोड़ा आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं ये काफी सारी ट्रॉफियां हैं, बहुत सारी हैं। तो देखो यहाँ से लेके इधर तक ये सारी ट्रॉफियां हैं। यहाँ पे कितनी सारी ट्रॉफी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका ज्यादा प्रदर्शन रहा है, किसका अच्छा रहा है। उसी चीज को हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉफी ऐसी तो खरीदी नहीं गई है, किसी ने मान सम्मान में दिया होगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी है, छोटी भी है बड़ी भी है, बहुत अच्छे अच्छे मान सम्मान दी गए। कुछ बात है जभी तो इतनी सारी ट्रॉफियां हमारे सामने मौजूद है अमर डीजे की। जी सर, जो डीजे कावड़ थी इनका काम अभी भी चल रहा है और ये इसको डीजे को हटा रहे हैं और इसको सुबह से हटाने में लगे हुए हैं और अभी भी इनका कहना है कि 2-3 घंटे इस पूरे सेटअप को उतारने में लग जाएगा और उतारने के बाद ये फिर से इसको इस पे रखेंगे ताकि ये अपने स्थान तक पहुंच सकें। तो देखा आपने कि कितनी मेहनत है डीजे कावड़ में, हम लोग आनंद लेते हैं यात्रा का आनंद लेते हैं लेकिन इसके पीछे बहुत संघर्ष मेहनत और लगन होती है जिसके लिए ये लोग तैयारी करते हैं।